वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। बंगाल के भवानीपुर में बीजेपी और टीएमसी के नेता आमने सामने हो गए। इस दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता दिलीप घोष पर हमला किया। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दिलीप घोष के साथ धक्का मुक्की भी किए। दिलीप घोष के साथ बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह भी मौजूद थे और टीएमसी कार्यकर्ताओं ने अर्जुन सिंह और दिलीप घोष दोनों के साथ धक्का मुक्की, दोनों के साथ ये हरकतें किए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भवानीपुर में उपचुनाव होना है। बीजेपी की तरफ से प्रियंका टिबरेवाल और खुद ममता बनर्जी यहां से चुनावी मैदान में है। अर्जुन सिंह और दिलीप घोष पहुंचे थे वहां पर प्रचार के लिए और हालात यहां तक रहे कि सुरक्षा कर्मियों को अपनी बंदूकें तक बाहर निकालनी पड़ी खतरे को भांपते हुए। आप देख रहे हैं पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद है, सुरक्षा कर्मी मौजूद है और वहां मौजूद टीएमसी कार्यकर्ता दिलीप घोष के ऊपर और अर्जुन सिंह के ऊपर हमलावर हो रहे हैं। अर्जुन सिंह के घर के तस्वीरें भी आपको याद होंगी, जहां चुनाव के बाद से ही लगातार बमबाजी होनी शुरू हुई थी। उसके बाद तीन दफा ऐसा हो चुका है कि एक सांसद के घर के ऊपर देसी बमों से हमला किया जा रहा है और ये आरोप है सीधा टीएमसी कार्यकर्ताओं के ऊपर। भवानीपुर में भी कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, जो बीजेपी के जो प्रचारक हैं, उनके ऊपर टीएमसी कार्यकर्ताओं की तरफ से हमला किया जा रहा है। तमाल साहब हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाल बताइए कि अगर ऑपोजिशन के साथ ये हालात वहां पर होंगे, जब एक सांसद और एक प्रदेश अध्यक्ष तक नहीं बच पा रहे, तो आम कार्यकर्ताओं क्या हाल होगा वहां पर? देखिए फिलहाल के लिए जो सिक्योरिटी व्यवस्था है उसको तो बढ़ाया गया है, लेकिन भवानीपुर जहाँ पे कैंपेनिंग आज की अंत दे है और यू नो और बीजेपी के दिलीप घोष प्रचार में आए थे सुबह हरीश मुखर्जी के बहुत नज़दीक जोधु बाबू बाजार जो भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है अंतर्गत है, उधर पे जब वो प्रवेश किया अपनी सिक्योरिटी तामझाम लेके, बीजेपी का कहना है कि जैसे उन्होंने प्रवेश किया तृणमूल के जो लोग हैं समर्थक है वो उनको चारों तरफ से घेर लिया। और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसमें साफ साफ दिख रहा है कि दिलीप घोष के जो सिक्योरिटी गार्ड है उनके ऊपर भी ये तृणमूल कांग्रेस के जो लोग हैं समर्थक है वो चढ़ाव होने की कोशिश किए, सेंट्रल फोर्सेस जो थे उनको धक्का देने की कोशिश किए, बातवाद शुरू हुआ, लेकिन दिलीप घोष भी पीछे नहीं हटे, वो पीछे हटने से इनकार किए और जो समर्थक थे तृणमूल कांग्रेस के जो उनको घेराव करके रखे थे वो भी पीछे हटने से इनकार किए। इसी दौरान दिलीप घोष की जो पर्सनल सिक्योरिटी है उन्होंने अपने कमर से बंदूक निकाल के लोगों की तरफ निशाना भी किया, ये दिखाने के लिए कि उनके लिए दिलीप घोष का सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, वो उनका दायित्व है, जिम्मेदारी है। और दैट्स व्हाट बीजेपी का लोगों भी बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि दिलीप घोष के ऊपर जब आक्रमण हुआ वो इसे आक्रमण कह रहे हैं, जब आक्रमण हुआ उनके जो सिक्योरिटी अधिकार है उनके पास और कोई कोई और उपाय नहीं था बिना गन निकाले, लेकिन तृणमूल कांग्रेस कह रहा है कि बीजेपी उस जगह पे जाके लोगों को उत्तेजित किया है, गाली गलौज किया, सेंट्रल फोर्स और जो उनका सिक्योरिटी है निजी सिक्योरिटी है वो लोगों से धक्का मुक्की किया और ऐसा माहौल बनाया जहाँ पे लोग गुस्सा होके बाहर आके दिलीप घोष को चेस किया। सो दोनों तरफ से नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव आ रहा है। तृणमूल का मानना है कि जो बंदूक निकालना ये गलत है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, वो शीतलकुची के साथ कंपेयर कर रहे हैं जहाँ पे इलेक्शन के दौरान चार लोगों की हत्याएं हो गई, मृत्यु हो गई सीआईएसएफ की फायरिंग में। और तृणमूल का मानना है कि बीजेपी एक इलेक्शन की जो वातावरण है शांति का वातावरण है उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसे मानने से इनकार कर रहे हैं। बहुत संक्षेप में ये भी बताना चाहेंगे, अर्जुन सिंह जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो भी यहाँ आए थे, बीजेपी का कार्यक्रम अभी भी जारी है। जब अर्जुन सिंह आए तृणमूल के समर्थक उनको लिटरली भगा के इस जगह से निकाल दिया, उनके ऊपर कोई आक्रमण हुआ नहीं, लेकिन बीजेपी को मौका मिल गया तृणमूल कांग्रेस को टारगेट करने के लिए। और सबसे बड़ी बात पोस्ट पोल वायलेंस के ऊपर जो चर्चा हुई देश भर में उसको फिर से सामने ला के तृणमूल कांग्रेस को तृणमूल कांग्रेस की पार्टी को उस नजरिए से दिखाने की कि वो वायलेंस में विश्वास करते हैं। तमाल मुझे ये बताइए कि जिस वक्त दिलीप घोष और अर्जुन सिंह वहां पहुंचे तो क्या वो हालात बने कि भीड़ उनके ऊपर हमलावर हो गई और कैसे सुरक्षा कर्मियों ने उनसे वहां से उनको रेस्क्यू किया? फिर
देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो जगह है मैं आपको जगह भी दिखाने की कोशिश करूंगा। ये मेन सड़क है, जो सड़क पे अभी बीजेपी का प्रोग्राम चल रहा है। इसी जगह पे सारे नेताओं प्रियंका टेम्बेवाल, शुभेंदु अधिकारी, सबको आने का बात था। और दिलीप घोष भी आए थे इधर पे, वो अपने समय से पहले आके ये जो गली है अंदर जा रही है, उस गली के अंदर जाके लोगों के साथ बात करने की कोशिश की, जिसे हम लोग कहते हैं पीपल टू पीपल कनेक्ट, डोर टू डोर करने की कोशिश की। जब वो लोगों के घर में दस्तक देने की कोशिश की, तब बीजेपी का कहना है कि अचानक से बहुत सारे तृणमूल के लोग आके उनको घेर लिया। ये कहना जायज है कि ये जो लेन है, ये जो पूरा नेबरहुड है, इधर तृणमूल कांग्रेस का डोमिनेंस है। ये माना जाता है ये मदन मित्रों का इलाका है, ये माना जाता है कि ये मदन मित्रों का अपना घर है। तो जो लोग आए थे वो जो दिलीप घोष को घेर लिया, उनके हाथ में तृणमूल कांग्रेस के फ्लैग्स भी दिखे, तो आइडेंटिफाई करना आसान है कि वो लोग तृणमूल कांग्रेस के समर्थक थे। बिल्कुल। और तमाल हमारे साथ आप बने रहिए, वहां की तस्वीरें लगातार आप दिखाते रहिएगा, वापस लौटेंगे आपके पास। लेकिन इस वक्त बीजेपी की तरफ से सरदार आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह साहब, मुझे संक्षेप में बताइए कि टीएमसी कार्यकर्ताओं का आरोप ये लगता है कि भाई बीजेपी वाले आते हैं वो भड़काते हैं, लेकिन तस्वीरें हम देखते हैं जहां पर एक सांसद और एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष तक बच नहीं पाता, उनको रेस्क्यू करने के लिए सुरक्षा कर्मियों को बंदूकें निकालनी पड़ती हैं।